आर विमला जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आए और साथ में उनके साथ मॉडरेटर हैं शिव कुमार राव साहब, प्रेसिडेंट वेद, वो भी आए और मैडम को ऊपर लेकर आए और उनका स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत जी, आदरणीय कलेक्टर मैडम, राधा कृष्ण जी म्युनिसिपल कमिश्नर, मेरे सभी दोस्त, सबसे पहले तो मैं विदर्भ टैक्सपेयर एसोसिएशन, प्रभावती ओझा स्मृति सेवा संस्था तथा नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, इनका अभिनंदन करना चाहूँगा जो इन्होंने एक ये कोविड डायलॉग की प्रक्रिया ये सोची, थर्ड वेव की प्रिपेयर्डनेस की चर्चा करने का ये विषय रखा। बहुत ही महत्व विषय है ये और आई एम श्योर कि इससे जो आगे जो प्रक्रिया होगी, हमारी तैयारी कैसी है, हम लोग किस तरीके से प्रशासन के साथ में जुड़ के इस तीसरी एंटीसिपेटेड थर्ड वेव का हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसको कैसे हम निपटें, इससे कैसे कम से कम किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे, बीट द इंडस्ट्री, बीट ट्रेड, कैसे इसको कम से कम तकलीफ हो, लोगों को तकलीफ कम हो, इसका आज ये चर्चा होगी। इसके लिए सभी का बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर नितिन राउत जी, कलेक्टर मैडम तथा दूसरे डिग्निटरीज, सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में मैं विमला मैडम का एक परिचय देना चाहूँगा। ये एक अत्यंत कंपैशनेट, डायनेमिक ऐसी कलेक्टर हमारे यहाँ पोस्टेड हैं। जुलाई 2021 में इनकी नागपुर में पोस्टिंग हुई है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस तकलीफ के समय में विमला मैडम की यहाँ पोस्टिंग हुई है और आई एम श्योर इनके आने से यहाँ पे मदद होगी ताकि यहाँ की इंडस्ट्री को, ट्रेड को, किसी को कोई परेशानी ना हो आगे इस कोविड महामारी से डील करने में। विमला मैडम अरुण बोंगिरवार पब्लिक सर्विस एक्सेलेंस अवार्ड की इन्होंने सवारा है, ये इनको ये रिसिपियंट है इस अवार्ड की। इसके अलावा ये एक टेडेक्स स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस डिस्कशन की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये थर्ड वेव की इतने दिनों से बात हो रही है और ऐसे कभी कहा गया जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, ये बात बिल्कुल सही है कि इसका कोई प्रिडिक्शन हो नहीं सकता है, कभी केसेस बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, तो एक हमारे ज़िले की क्या तैयारी है इसमें, ये थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप एक दो शब्द कहें तो उसके बाद में फिर मैं अगले प्रश्नों पर आता हूँ। सबसे पहले सबको नमस्कार, आदरणीय मंत्री महोदय को भी नमस्कार। कोविड ऐसी बीमारी, मैंने देखा है कि पिछले 2 साल से हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये इसका एक तो प्रभाव अचानक आने का हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा संदर्भ है। जैसे पहले जब वेव आई थी तो हम लोग कोई इसके प्रति हम लोग ना प्रिपेयर थे, हमारी तैयारी नहीं थी, तो इसका हम पर काफ़ी अलग प्रकार से प्रभाव हुआ। जो बुज़ुर्ग थे, जो कोमोबिडिटी से ग्रस्त थे, उनमें से कई लोगों को हमने खोया है इस बीमारी की वजह से। और दूसरे वेव में हमने देखा है कि जो लोग नॉर्मली यंग थे, तो इसीलिए इस बीमारी के बारे में ऐसे तो हम कोई सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो है, बिकॉज़ कई और मतलब अभी तक हमारे लाइफ में अलग अलग प्रकार की डिजीज़ आई हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कॉलेरा हो, टाइफॉइड हो, न्यूमोनिया हो, पर कोविड के बारे में ऐसा है कि अचानक से एक तो वार होता है और ये तभी हम लोग जिसकी रैपिडली डबल होती है वो हम समझ नहीं पाते। तो प्रशासन ऑफकोर्स हर तरह से सज था पहले वेव में भी, हालांकि उस समय इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में काम किए, विशेष था जो महानगर पालिका थे, कई जिले थे, तो उस समय हॉस्पिटल्स
तैयार करना, अपने अपने क्षेत्र में जाना, लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी तो अलग अलग जगह से लाना, तो ये हम लोग डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी हम लोगों पे अचानक वार हुआ था, तो मुंबई में जब मैं थी और जो कुछ थोड़ा बहुत काम मैं कर पाई उस समय प्रशासन के साथ, तो इसी में हम लोग जुटे हुए रहते थे कि बेड्स की संख्या कैसे बढ़ाए, ऑक्सीजन कैसे ला कर दें। और सेकेंड वेव में भी हमें एक्चुअली स्पीकिंग उतना समय नहीं मिल पाया कि हम लोग इसको अपग्रेड कर सके, क्योंकि इसमें एक तो जिस तरह की फैसिलिटीज़ बनानी होती हैं वो इस बारे में हमारे पास इतनी साधन सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, तो वो कलेक्ट करना टेक्नोलॉजिकली हमें इतने हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। और बेड्स अगर लगाना है तो स्पेशलाइज्ड बेड होता है, उसे वेंटिलेटर्स होना होता है, ऑक्सीजन लगाना होता है। तो सेकेंड वेव में भी शायद थोड़ा हम लोग जिस तरह से ऑक्सीजन कैपेसिटी होनी नहीं चाहिए, विशेषतः नागपुर जैसे जगह में मैंने ऑब्जर्व किया आने के बाद कि प्रशासन को काफ़ी तकलीफ़ हो गई ऑक्सीजन उपलब्ध करा के लेने में और प्रोवाइड करने में। तो उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग जैसे कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं और प्रशासन में हम लोग सारा, जब से मैं आई हूँ तो हर हफ्ते में हम लोग मीटिंग लेते हैं ताकि ये जो यू नो बीइंग कॉट अनअवेयर्स वाली बात होती है कि अचानक कोई मुश्किल ना आ पड़े, तो इसलिए हम लोग हर स्टेप पे सावध रहते हैं। अक्सर मैं और सर चर्चा करते रहते हैं और निर्णय लेते रहते हैं कि कैसे आगे बढ़े। तो इस समय आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ऑक्सीजन का जो प्रोविज़न हमें करना था तो वो ऑलमोस्ट यू नो डबल हो गया है। जो पिछले हम लोगों का जो प्रोविज़न था, हमारे पास करीबन 300 मेट्रिक टन की अवेलेबिलिटी थी और उसके लिए अलग अलग जगह जाके लाना पड़ता था, उसके कंपैरिजन में अगर आज हम देखो तो करीबन 550 मेट्रिक टन की करीब ऑक्सीजन हमारे पास है। और विशेषतः लिक्विड ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी है, पहले 3 या 4 थे तो अभी करीबन 10 हमारे हो चुके हैं। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मैं समझती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये रूरल एरिया का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मली पेशेंट्स वहाँ से हमें ले आने पड़ते, तो अभी कॉन्सेंट्रेटर्स की संख्या ज़्यादा होने से, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या ज़्यादा होने से मुझे लगता है कि हम लोग रूरल एरिया में भी, जैसे अर्बन एरिया में प्रेशर काफ़ी आ जाता है फिर कमिश्नर्स में ऑफिस में, अगर हम लोग सब रूरल को भी यहाँ शिफ्ट करें और हॉस्पिटल्स में भी, तो यही हमारी कोशिश है कि वहाँ पर भी अच्छी सुविधा हो। तो प्लानिंग इस तरह से ही है कि रूरल और अर्बन, और शासन ने भी यही कहा है कि 35-65 रखें। तो ये मैडम आपकी जो बात है कि ये बात सही है कि सेकेंड वेव जब आई तो लगभग समझिए पूरा देश ही इट वॉज कॉट अनअवेयर्स, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली वी आर एट द एंड ऑफ द पेंडेमिक, लेकिन सेकेंड वेव सडनली आ गई। हालांकि उसके बाद में मैं अभिनंदन करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गार्डियन मिनिस्टर कि हमने बड़े अच्छे से बहुत स्मूथली उसको हम निकाल पाए। हालांकि कई लॉस ऑफ लाइव्स हुई है, बट फिर भी प्रशासनीय जो काम हुआ है। बट अभी कंपेयर टू द सेकेंड वेव, थर्ड वेव में हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी लग रही है और उसको हम निपटने के लिए तैयार हैं। एक जो उसमें मुद्दा रह गया था वो उस समय कुछ ड्रग्स की अवेलेबिलिटी का इशू उस समय आया था। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल हमेशा चेंज होते आए हैं, उस समय ड्रग्स की उपलब्धि में थोड़ी सी समस्या हो गई थी, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स की हॉस्पिटल्स में पहुंचने का मैकेनिज्म कुछ ठीक नहीं था। तो ऐसा कोई अब कोई SOP बन गया है या कोई ऐसा एक प्रोटोकॉल बन गया है जिससे कि कोई सिटीजन्स को, ट्रेडिंग कम्युनिटी को, किसी को कोई परेशानी नहीं आए? सो अभी एज ऑफ नाउ हमारी प्रिपरेशन है कि जो भी रिक्वायरमेंट है ड्रग्स की, तो ये तो स्पेशलाइज्ड ड्रग्स होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जो हमें अवेलेबल किया जाता है, तो हमने रिक्वायरमेंट दे दी है और वहाँ से काफ़ी सारा जो मटेरियल आया भी है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिचुएशन इज़, आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो कभी कभी डबल डिजिट अचानक हो जाता है, कभी कभी नंबर्स कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए बट हम लोग केयरफुल है, जो हमारा पूरा मेडिकल टीम है, वेदर इन द कॉरपोरेशन एरिया, वेदर इन द ज़िला परिषद एरिया, तो सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम लोगों ने, कल भी हमारी मीटिंग हुई कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर कोविड प्रिपरेडनेस, सो अवेलेबल है ड्रग्स। सो आई होप कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, बट यू नेवर नो कभी, बिकॉज ये एक वृत्ति भी हो जाती है। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने ये कमेंट करना चाहिए नहीं सही पता नहीं, पर जो 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 स्टॉकिस्ट थे मेडिसिंस के, तो एक तरह का ऐसे भी हो गया था कि जब शॉर्टेज था तो
अलग अलग एटीट्यूड हर हर एक का है. सो इट इज़ ऑल्सो पर्सनल हाउ यू टेक इट, यू नो, कि सो इट्स नॉट ओनली दैट कि गवर्नमेंट ने मतलब शॉर्टेज होता है, स्टॉकिस की भी इशू हो जाती है, तो वी हैव टू वर्क एक साथ. बिल्कुल बिल्कुल, कम्प्लीटली एग्री विथ यू, एंड आई एम श्योर आपकी इस बात को सुन भी रहे होंगे जो जिन्होंने ये ऐसे काम किए, बट कोई ब्लैक शीप होती है ऐसी. बट उसके अलावा मैडम एक ये भी बात हमेशा रही है कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है, यू नो, गॉड फॉरबिड ऐसी कोई हमारे केसेस ना बढ़े, आप लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन, लेकिन अगर केसेस बढ़ती हैं कभी ऐसा कोई ये सिटी में देखते हैं, तो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी जो होती है वो थोड़ा सा दे आर एट द रिसीविंग एंड, बिकॉज उनकी शॉप्स बंद हो जाती हैं 4 बजे 8 बजे सुबह खोलने का उनको एक इश्यू आता है. और कई बार क्या होता है कि बड़ा इमरजेंसी में एक लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ता है, तो कैन देयर बी सम काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल जिससे कि इनको कुछ समय मिल पाए. कई बार क्या होता है कि इनके गुड्स कहीं बाहर से आ रहे हैं तो वो उनको रिसीव करने के लिए प्रॉब्लम होती है, पूरी सप्लाई चेन बिगड़ जाती है उसकी. तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल कि 7 दिन की नोटिस 8 दिन की नोटिस 5 दिन का, हालांकि ये पैंडेमिक में होना मुश्किल है, बट ऐसा कोई SOP तैयार किया जा सकता है जिससे कि ट्रेडिंग कम्युनिटी को ये सब इश्यूज़ में सेफ गार्ड किया जाए? सो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग कम्युनिटी इफ़ेक्ट होती है, तो अगर वेव आए तो ये हर व्यक्ति के लाइफ में उथल पुथल मचने वाली है. तो जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कशंस किए थे ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ, और गवर्नमेंट भी यही कहती रहती है कि डिस्कशन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए तो बेहतर होता है. तो मैं समझती हूँ कि हम लोग भी इसी तरह से चर्चा करके ही निर्णय लेंगे, पर अचानक भी अगर कुछ करना पड़े तो ये लोगों के हित में होता है. ये नहीं कि प्रशासन यू नो कि सिर्फ ट्रेडर्स के बारे में सोचती नहीं या किसी और के बारे में. तो हमें ये एक वी आर एट द टॉप लेवल की एक 360 डिग्री व्यू रखना ज़रूरी होता है. तो हम लोग उस समय जो निर्णय लेते हैं एक विशिष्ट रूप के, एक विशिष्ट कम्युनिटी के और एक विशिष्ट यू नो ऑर्गेनाइजेशन को रख कर लेते नहीं हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें कि सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. तो जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सो यू नो यू कैन नॉट यू नो बाद में जब बिल्ली दूध पीकर चली गई तो हमने पछताने में मतलब नहीं रहेगा ना. तो समय पे और सही समय पे काम करना ये मुझे लगता है ज़रूरी है. मैम एक इसमें सवाल है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये फेसबुक लाइव है, तो इट इज़ नॉट ओनली द ट्रेडिंग एंड द इंडस्ट्रियल कम्युनिटी दैट इज़ हियर इन अटेंडेंस, बट इवन द जनरल पब्लिक आर वॉचिंग. तो एक सवाल हर एक के मन में है कि ये थर्ड वेव इज़ गोइंग टू अफेक्ट द चिल्ड्रन, और ऐसा ये कोई थियरीज आती हैं बाहर हो रहा है, और साथ साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रीओपनिंग का एक विषय आता है, क्योंकि बच्चे 1.5 साल से 2 साल से लगभग घर पे हैं, गए नहीं है, दे हैव नॉट अटेंडेड स्कूल, दे हैव नॉट अटेंडेड एनी ऑफ देयर क्लासेस. तो इस पे कोई कोई चर्चा कुछ हो रही है जिसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सो बच्चों का अगर हम सोचें तो ये क्यों हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों को ही लगे नहीं है. तो सबसे बड़ी बात तो वही है कि वाई everyone is saying कि चिल्ड्रन विल गेट अफेक्टेड, बिकॉज अगर हम लोगों ने वैक्सीनेशन लिया तो वी आर क्वाइट प्रोटेक्टेड. आज की तारीख में जिन्होंने भी 2 वैक्सीनेशंस ली हैं और अगर उनको कोविड हो भी जाता है तो दे आर रिकवरिंग फास्ट एंड दे आर हैविंग लेसर ट्रबल. सो अभी ऐसा है कि 18 साल के नीचे जो भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे हैं, उनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, और अभी तक कुछ कंट्रीज़ में शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन की, पर हमारे यहाँ नहीं हुई. तो इसलिए केयरफुल रहने की बात रहती है, और केयरफुल सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बात होती है कि भले हम वैक्सीनेटेड भी हो तो केयरफुल रहे. और स्कूल्स की बात ऐसे है कि अभी तक तो गवर्नमेंट ने सिर्फ जिला परिषद स्कूल्स जो हैं 8th से 12th तक का स्टार्ट करने के आदेश दिए हैं, बिकॉज इवन इन कॉरपोरेशन एरिया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ अ थिंग. तो हम कितना भी कहें लोग वैसे सुनते कम हैं, अगर मतलब कि रिस्क लेने की टेंडेंसी कहाँ होनी चाहिए ये हमने डिसाइड करना चाहिए. तो वेदर यू वांट टू रिस्क योर लाइफ, वेदर यू वांट टू रिस्क योर द लाइफ ऑफ योर नियर वंस, ये हमारे पे है. क्योंकि हम अगर इन्फेक्ट हो गए तो हमसे ज़्यादा हमारे करीबी जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा धोखा हो सकता है. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पिछली बार जब हम लोग बीमार होते थे बचपन में
तो हमें मिलने 100 लोग आते थे, 100 नहीं तो कम से कम जितने भी आए, तरह तरह के फ्रूट्स और फूल लेकर आएंगे, कुछ खाने के लिए अच्छा मिलेगा, और बड़ा अच्छा लगता था बीमार होके। पर मुझे लगता है कि अभी बीमार होके अच्छे लगने के दिन, एटलीस्ट कोविड में, बिकॉज कोई आपसे मिल नहीं सकता है, और आपको ही ध्यान देना चाहिए कि आप किसी से नहीं मिल रहे हैं। तो ये एकदम जो डिफरेंस हो गया है बीमार पड़ने में, विशेषतः कोविड के साथ, इसीलिए हमें ही जागरूक रहना चाहिए, और हमें इस तरह से सोचना नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस ला रही। जैसे मैंने गणपति में भी कई बार देखा, या कहीं मैं अभी बाहर जाती हूँ ऑन टूर, तो कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और शायद सभी को लगता है कुछ होगा नहीं, हम सेफ हैं, पर हमने शायद, मैंने तो कई लोगों को खोया है, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ है मेरे लाइफ में। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि, शायद किसी के लाइफ में नहीं हुआ होगा ऐसे दुख, या कोई लोग वो के लाइफ में हुआ भी होगा तो वो भूल चुके होंगे जल्दी, हालांकि ये जल्द भूलने की बात नहीं। इसलिए केयरफुल रहना, हमेशा मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, और सेफ फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, और जहाँ तक हो सके ज़्यादा, मतलब ट्रेडर्स लोग शायद नाराज़ होंगे, शॉपिंग के लिए इतनी ज़रूरी नहीं जाना। हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इससे हमारी ज़िंदगी कुछ बर्बाद नहीं होने वाली कि हमने थोड़े दिन कुछ ख़रीदा नहीं तो। तो ये एक केयरफुल रहना, फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं, डोंट शॉप टिल यू ड्रॉप, स्टॉप दैट शॉपिंग फॉर सम टाइम, बिकॉज लाइफ विल गो ऑन, देयर्स मच मोर टू होप फॉर। मैम, एक आखिरी सवाल, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड यू हैव ऑल्सो स्पोकन अ लॉट ऑन मेंटल हेल्थ, ऐसे कई बच्चे हैं जिनके स्कूल नहीं जा रहे, जिनके करियर्स अफेक्टेड हैं, ऐसे कई कॉलेज गोइंग है जो समझो उनको लग रहा है कि अब तो कोविड ख़त्म हो गया है, तो अलग अलग दृष्टि से कोई मेंटली, कोई बड़े डिप्रेशन के भी इसमें ये है, तो एनी मोटिवेशनल मैसेज, एनी मैसेज फॉर द यूथ एंड द चिल्ड्रन जो आप देना चाहेंगे टू डील विद दिस पैंडेमिक, टू डील विद देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं, किसी में स्कूलिंग नहीं हो पा रही, कोई मार्क्स के इश्यूज है, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव विद दैट वी कैन। मेरा बच्चा 11th में है, और मैं समझ सकती हूँ जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते तो कितना डिस्टर्ब्ड रहते हैं, कई हमारे परिवार के लोग हैं, फ्रेंड्स के बच्चे घर में, पर देन ये रास्ता निकालना मुझे लगता है हम पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसे भी आपके जीवन में कठिनाई हो, अगर आप अपने आप को संभाल कर रखें, क्योंकि कोई और आपको नहीं संभाल सकता है, पहली बात तो ये है कि आपको ही अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात है कि आपको सपोर्ट लेना भी बहुत ज़रूरी। तो ये नहीं कि सिर्फ बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, हम भी डिस्टर्ब होते हैं, पर सपोर्ट सिस्टम ऑफ द फैमिली, मुझे लगता है कि हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है इंडियन कस्टम्स का, जो फ्रेंड्स और फैमिली का एक एक्सटेंडेड फैमिली होता है, ये सबसे अच्छा माध्यम है कि शेयर योर थॉट्स, तो खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से घटता है, ये मैं हमेशा मानती हूँ। तो अपना गम घटाइए, दूसरों को खुश कीजिए, और अपने जीवन का आप सुख बढ़ाइए, यही मैं कहूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।